तो क्या कॉस्ट रहता है इस मशीन का? लगभग मशीन इज अराउंड 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए की मशीन है भाई, देख लो बच्चों। ठीक है ना, अब सर ने ये तोड़ के दिया इसको, एक बार इसका टेस्ट बताते हैं आपको कैसा हो रहा है। और ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, बहुत मजा आता है। 20 पौधों में सबसे अच्छा पौधा मुझे ये लगा है, इसका नाम है लटका। हमारा बॉयज हॉस्टल है, उधर भी बॉयज हॉस्टल है, उधर सर गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है? अच्छा हाँ, वो भी जरूर दिखाइएगा हमें। और यहाँ पे ये बहुत मतलब अरे इन नॉट दैट वे। तो इस चैनल पे हम लोग क्लास की ऑफलाइन के साथ तो मज़े और मस्ती, मजाक और साइंस को फन के साथ पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आज बहुत ही यूनिक चीज़ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैं एक यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, जो कि 600 प्लस एकड़ में फैली हुई है, मतलब विशाल यूनिवर्सिटी है। मैं इस यूनिवर्सिटी में किस कारण से आया हूँ? एक्चुअली मुझे हाल ही में पता लगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसी मशीन्स, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैं चाह रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर्स तक जाए। मतलब शायद आपने सुना हो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, मतलब हमारे पूरे इंडिया में ये गिनी चुनी है जो एटम को दिखा सकती हैं। एक्सरे स्कैनिंग मशीन, एक्सरे से कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता लगाया जा सकता है, ये सारी खतरनाक चीज़ें हम इस यूनिवर्सिटी में आज देखने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ किताबों में पढ़ी है और आज हम फाइनली इन्हें लाइव देखने वाले हैं। तो आए हैं हम लोग आज पंजाब में, एक्चुअली इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, जो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब आप सब तो जानते हैं कि साइंस एंड फन पे पढ़ाई को किस तरीके से करा जाता है, सिर्फ किताबों तक हम लोग सीमित नहीं हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, बेसिकली इसका भी यही सोचना है कि यार किताबों से बाहर आना पड़ेगा, तभी हमें अगर हम लोगों को बेसिक नॉलेज के अलावा कुछ और करना है, चीज़ों के डेप्थ में जाना है, तो किताबों से बाहर आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज पर जाना पड़ेगा। तो इस यूनिवर्सिटी का भी बेसिकली यही सोचना है। और सिर्फ ये साइंस के फील्ड में ही काम नहीं कर रहे हैं, 270 प्लस कोर्सेज यहाँ पे दिए जाते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जो टैग लाइन है, जो इनका मोटिव है, जिस पे वर्क कर रहे हैं, वो है थिंक बिग। तो क्या ये लोग बड़ा सोचते हैं? आओ एक बार देखते हैं। दे हैव एन ओपन शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम, जहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी है, और एक क्लोज या कह लो इंडोर ऑडिटोरियम है, जो कि डबल स्टोरी और फुली एयर कंडीशन है। दे हैव अ सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि 4 लेवल्स में डिवाइडेड है, जिसमें 6 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं। 1-2 लाख नहीं भाई साहब, 6 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं। और कमाल की बात यह है कि आपको हर एक किताब की ई बुक अवेलेबल हो जाएगी, मतलब आप घर बैठे किसी भी किताब को ऑब्टेन कर सकते हैं ई बुक की फॉर्म में। लेकिन मुझे इस लाइब्रेरी की सबसे अच्छी जगह ये फ़ोन बूथ लगी, जहाँ पर आप बाकियों को डिस्टर्ब करे बगैर किसी से भी फ़ोन पर बात कर सकते हो। किसी से भी कहने का मतलब है किसी से भी। LPU में एडवांस्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ के लिए कमाल की मशीन्स अवेलेबल हैं, जो कि जनरली देखना इम्पॉसिबल है। और बेसिकली इन्हीं मशीन्स के लिए मैं LPU में आ जाया हूँ। जैसे कि एक सेक्सी सी मशीन, इस मशीन का नाम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है। तो क्या कॉस्ट रहता है इस मशीन का? लगभग मशीन इज अराउंड 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए की मशीन है भाई, देख लो बच्चों। अब बताओ, ये मशीन आपको हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप को सिर्फ किताबों में पढ़ते आए हैं हम लोग, बट ये यूनिवर्सिटी बच्चों को सिखा रही है इस माइक्रोस्कोप से कि कैसे डोपिंग। अब डोपिंग की बात कर लें, हम लोग 12th क्लास में डोपिंग को पढ़ते आए हैं, लेकिन शायद हायर लेवल पे भी अगर जाएं तो वहाँ पे कभी भी दिखाया नहीं जाता कि डोपिंग यूनिफॉर्म हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। लेकिन ये इतनी महंगी महंगी मशीनें, हाई एंड मशीन्स, आपको डोपिंग के कंसंट्रेशन, उसमें एरर्स, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये सब भी बताती है, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है। मैं तो शायद पहली बार ही देख रहा हूँ कि इतनी हाई एंड फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जा रही हैं। ऐसी ही एक और मशीन है जिसका नाम है एक्सरे स्कैनर। हम सब 12th क्लास में पढ़ते आए हैं कि कैसे एक्सरेज पार्टिकल के या किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताने में हमारी मदद करते हैं, बट ये जो मशीन है, यहाँ पे बच्चों को ये लाइव एक्सपीरियंस करवाती है। इस मशीन की कीमत भी अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए है, और ऐसी बहुत सारी और मशीन्स LPU में अवेलेबल है। यहाँ पे एक और कमाल की जगह है, विच इज़ एरोडायनेमिक एंड प्रोपल्शन लैब। यहाँ सबसे पहले इस विशाल सेटअप पर नज़र डालते हैं।
और यहाँ जो मेरे पीछे और आप जो साइड में चीज़ें देख रहे हैं, ये हमारे बर्नौलीज़ थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली है। अब यहाँ पे आप सबको पता होगा, फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर। तो एयर का जो पैसेज है, अगर आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोक विंड टनल। यहाँ पे धुआं फेंका जाता है और कैसे वो धुआं किस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, उससे एरोडायनेमिकली शेप्स को चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हम इसको ऑन भी करके दिखाएंगे, बट कैसे यहाँ पे बहुत फास्ट मूविंग एयर क्रिएट की जाती है और यहाँ पे सैंपल्स रखे जाते हैं इसके अंदर जो एरोडायनेमिकली इसको टेस्ट करते हैं। इवन आप एक जूता भी रख सकते हो, गाड़ी का आगे वाला बोनट रख सकते हो, एक विंग का एक साइज रख सकते हो, जो हवा को किस डायरेक्शन में काटेगा, कितना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो सब यहाँ पे बच्चे रोज़ आके खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको शायद मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, उन्होंने थोड़ा धीरे कर दिया है, लेकिन यहाँ से ये एक एयर पैसेज क्रिएट हो रहा है और सारा का सारा जो डेटा है, जैसे कि सर ने बताया, वो स्क्रीन पे बिल्कुल दिख जाता है क्लियरली। और उसको अगर हमें विजुलाइज करना है तो ये स्मोक पैसेज तो यहाँ पे क्रिएट करते ही। तो आप यहाँ पे एक छोटी सी मशीन देख रहे हो, एक्चुअली ये छोटी नहीं, ये बहुत ही दमदार और बहुत ताकतवर मशीन है। यहाँ पे ये जो हमारे रॉकेट्स के अंदर जो हमारे गैस टर्बाइंस होते हैं, जहाँ पे गैस का इस्तेमाल करके कैसे एक्शन रिएक्शन लगता है, अभी मैं आपको इसकी वर्किंग भी दिखाऊंगा और आप हिल जाएंगे देख के कि कैसे ये छोटी सी मशीन, कहने को ये छोटी है, बट कैसे ये फ्यूल की कंबंशन से कितनी पावरफुल फोर्स पीछे फेंकेगी, इसको भी हम देखेंगे। LPU में मैकेनिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सी लैब्स हैं, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब, ऑटोमोबाइल लैब, ड्रिलिंग एंड शेपिंग लैब और बहुत कुछ। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट ग्रीन हाउसेज एंड एग्रीकल्चरल एरियाज लाइक दिस शेड नेट हाउस, जहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स को रखा हुआ है ताकि बच्चे उन्हें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी देख पाएँ, उनके स्ट्रक्चर को देख पाएँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जज कर पाए, उनकी रूट्स कैसी हैं, स्टेम्स कैसी हैं, हर एक प्लांट लगभग यहाँ पे अवेलेबल है। मैं तो ये जानता आया था कि दो ही प्रकार के टमाटोज होते हैं, जैसे हमारे भाषा में बोलते थे देसी टमाटर और बॉम्बे, बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये देखो ये टमाटो का साइज़ देखो, दूर से देखने में शायद ये चेरी लग रहा होगा, बट ये चेरी जैसा है ये टमाटो, ये चेरी टमाटो है, ठीक है ना। अब सर ने ये तोड़ के दिया, इसको एक बार इसका टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है। तो एक्चुअली में टेस्ट तो टोमेटो जैसा ही है सर, एग्जैक्टली थोड़ा सा मीठा है। हाँ, मतलब थोड़ा सा मीठा है, टेस्ट एग्जैक्टली टोमेटो जैसा ही है। दे हैव हाई टेक एग्रीकल्चरल सेटअप्स लाइक मशीन, जो कि सिखाती हैं कि कम मैन पावर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे किया जाता है। तो बच्चों, पूरी शाहरुख खान वाली फीलिंग आ रही है, यहाँ से एक्चुअली वाटर स्प्रिंकल हो रहा है और ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है, बहुत मज़ा आ रहा है। अरे सर थैंक यू। चेरी टोमेटो सर, अरे बाप रे बाप भाई, जो देखो जो टेस्ट मुझे सबसे अच्छा लगा अंदर, आप एक बार कलर देखो। अब बच्चों मैं भी महंगा महंगा सलाद खाऊंगा। दे हैव हर्बल गार्डन, जहाँ पे 200 से भी ज़्यादा हर्बल प्लांट्स अवेलेबल है, जिनसे बच्चे आयुर्वेदा की पढ़ाई करते हैं और मेडिसिन तक बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। 220 पौधों में सबसे अच्छा पौधा मुझे ये लगा है, इसका नाम है लटका। ये पौधा है कहाँ, अभी तक मिला नहीं हमें, हम इसको ढूंढ रहे हैं। आओ चलो लटकन को ढूंढे। बी कीपिंग और बाकी सारी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चे यहाँ पे खुद करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं लाइव चीज़ों को अपने हाथ से करके। तो नेक्टर वो शायद यहीं के फूलों से इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अनदर एरिया जहाँ LPU थिंक बिग फॉलो करता है, वो है कंप्यूटर साइंस की फील्ड। दे हैव मोर देन 100 कंप्यूटर लैब्स, मैं 100 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनके पास 100 से ज़्यादा कंप्यूटर लैब्स हैं, जिसमें हर एक लैब के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं। दे हैव अ मैक लैब, यानी जहाँ पे एक लैब इनके पास ऐसी भी है जहाँ पे हर एक चीज़ एप्पल का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, मैकबुक्स मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। और सिर्फ इतना ही नहीं, LPU के टाइप्स गूगल, सिस्को, नेक्स्ट जनरेशन, टेक्सास, कैडेंस, इंटेल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के साथ है, जहाँ पे कंपनी के एक्सपर्ट्स खुद आते हैं, यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं मार्केट में आज की डेट में क्या चल रहा है क्या नहीं, उन सब के बारे में नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाती है।
LPU सिर्फ पढ़ाई में ही थिंक बिग फॉलो नहीं करता है, स्पोर्ट्स में भी कर रहा है। दे हैव अ ब्यूटीफुल एंड जायंट इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम जहां वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज एंड बहुत से और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का साम्राज्य जो है वो 600 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, टीचर्स और बाकी सारे फैकल्टीज़ के रहने के लिए जगह, रेस्टोरेंट और पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल, मेरे मालिक, पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने बसा रखा है। यूनिवर्सिटी का अपना ही एक हॉस्पिटल है जहाँ बच्चों को हर चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक बहुत यूनिक बात मैं आपको बताता हूँ। लेट से आप एक मेडिकल फील्ड में जाके एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर, तो वो ऑब्वियसली बात है हॉस्पिटल के अंदर आपको तैयारी करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? अगर आप मान लो किसी मेडिकल फील्ड में यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं आफ्टर 12th, तो ऑटोमेटिकली आपकी फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। यानी कि जब आप इस कोर्स को पार करेंगे तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। इनका एक वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप फर्स्ट ईयर में जब होते हैं तो आपको इंटर्नशिप मिलना शुरू हो जाती है। तो जब आप कोर्स के एंड पे पहुँचते हैं तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के मुकाबले आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। रीज़न बींग क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करना शुरू हो गए। और ये सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं है, ये बातें लागू होती हैं इंजीनियरिंग के लिए भी। तो LPU में यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा? तो आपके 12th के एग्ज़ाम के बाद आपको यहाँ का भी एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसको हम लोग LPU NEST या फिर LPU NEST प्लस अकेडमिक्स का स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं। उस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के तरह, और यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बेसिक लिंक्स वगैरह जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट सेक्शन पे मिल जाएंगे।